देते और खा के सर ही फाड़ देते। ये रह गया अपनी सब कुछ छोड़कर वो महाजन बनकर आ गए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करते खैर खैरियत से होंगे। तो जी कैक्षा और ऑन मोहम्मद दोनों हो चुके हैं तैयार, नाश्ता मैंने इन्हें दिया है करा और ये अब जा रहे हैं स्कूल। हाँ जी। ठीक है, तो छुट्टी कितने बजे बेटा? 11 बजे। अच्छा चलो ठीक है। और कोई और चीज़ लेनी है आपने? पानी ले लिया? पानी ले लिया। अच्छा ताला चाबी उठा ली? हाँ जी। अच्छा चलो। और ये फुजैल मोहम्मद जो है मेरी गोद में चढ़ा हुआ, ये भी साथ जाएगा हमारे, क्योंकि हमने आगे से बकरी का घास भी लेना है और आगे फिर अपने घर के काम काज भी देखने, ये सारे बिस्तरे वगैरह उठाने हैं यहाँ से सारे। जी बाबा किको मातू को क्यों? अच्छा बाबा, अच्छा जी मैं साथ लेके नहीं जाऊँगा बस। अच्छा 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 ठीक है, मैं नहीं लेने जाऊँगा। ठीक है भाई, तुम हैं सारा का सारा घास खा देगा? हाँ जी। अच्छा ये को बकरा वो तो बच्चा है ना, उसे पता नहीं है। अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ ये फिर तुम्हारी मम्मा को उठा के मैं आ रहा हूँ। हैं तो जी प्यारे बहन भाइयों, सुबह सुबह का है टाइम और जो है मैडम मेरी होकर आ गई हैं फ्रेश होकर। जी क्या अच्छा, मोहम्मद से पूरे चले गए हैं। तो तबीयत मेरी बस ऐसी थी, क्या करूँ, कहते हैं तबीयत है ख़राब, पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। ताज़ा ऑपरेशन है तो फिर ये कि जो इंजेक्शन लगे हुए हैं वो भी पेन करते हैं सावन भादों के मौसम में, तो 2 साल पुरानी चोट भी ताज़ा हो जाती है। ताज़ा होती है बिल्कुल। फिर ऐसे तो फिर इंसान है, मगर मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह जी साल में रखे, बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे रब तू राजी हो जा। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ तुम बहन भाई कैसे। सलाम करना भूल गई थी इसका मतलब? जी मैं भूल गई, आज कुछ कंडीशन ऐसी है और कुछ बता नहीं सकती। और सुबह सुबह झटका ऐसा लगा आज अपने बहन भाई एक साथ शेयर करें। तो जी जनाब लेके आए हैं आटा, घी और सेवियाँ, ये बना के दो। हाँ ये बना दो, आगे बच्चे भी खा लेंगे। वैसे भी नाश्ता तो करके गए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तो फिर ये कि ये भी बना के रख ले, तो ये ज़्यादा शौक से खाते हैं। हाँ पैर में ज़रा हल्का फुल्का हो जाएगा ना उनके लिए। हाँ जी ठीक है, वैसे भी रात का सालन भी रखा हुआ है। सालन तो काफी सारा रखा, बहुत मजेदार सालन, सुबह उसी सालन से रोटी खा के गई। हाँ जी, अगर हमें रोटी मंगवानी पड़ भी गई तो तंदूर से मंगवा लेंगे दो चार दोपहर में। ठीक है ना जी, बाल्टी तो गीली है। ओहो कपड़ा मार दो फिर इसमें। ये किसने रख दी कल? मैंने तो धोई थी, मैंने कहा था जब तक ये सूखती नहीं अंदर ना रखना इसे। बच्चों ने ना रख दी हो ना? ऑन मोहम्मद कैक्शन नहीं, कैक्शन ने रखे थे सारे बर्तन उठा कर जब मैंने धोए थे ना। अच्छा हवा भी प्यारी प्यारी चल रही है। हवा तो बहुत जबरदस्त है, ये ऐसे करते हैं शॉपर समेत रख देता हूँ नीचे। साफ तो हो गई ना? हाँ हो तो गई है, लेकिन फिर भी नहीं डालता, नमी रहेगी। शॉपर समेत रख दूंगा ना, नीचे की नमी नहीं आएगी। चले ऐसा कर ले। ठीक है ना? ठीक है, साफ तो मैंने कर दी। सही अभी भी है पानी में। अच्छे से साफ हो गई, सारी अच्छे से करती है। मैं जब भी आटा मंगवाती हूँ या पिसवाती हूँ ना, मैं बाल्टी लाजमी धोती हूँ। चल ऐसे ही रख दे, शॉपर समेत रख दे। ऐसे समेत रख दूँ? ऐसे समेत रख दे आप, है ना। तो मैं वो दो पतीलियाँ सुबह खाली की थी मैंने। अच्छा अच्छा, वो जरा धो दूँ मैं? बस वो धुल जाएंगे, पहले मुझे सेवियाँ बना लेना। सर उन्हीं में बनाओगे ना इस पतीले? नहीं मैं वो कढ़ाई मंगवा ली, उसमें बना लेती हूँ। अच्छा अच्छा, क्या चीज? ये दोनों पैकेट बनाऊं? सर देख लें जितनी खाई जाए, जो दोपहर में खत्म हो जाए। हाँ जी दोपहर में खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगी? वाह 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 वाह, बच्चे कहते हैं मम्मी ये वाली बना के दिया तो। चली भी दूध वाली? नहीं दूध वाली। अच्छा करके ना? हाँ फिर उसमें दूध डाल दिया करो जी।
अच्छा मोहम्मद की ज्यादा नहीं हो जाएंगे नहीं काफी है अच्छा अल्लाह का शुक्र है ये आना जाना तो लगा ही रहता है अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है शुक्र है बस अल्लाह के माशाल्लाह सब थे क्या हुआ एक बाजी नसीम भी रह गई और दो से आंटी यहीं पर भी है हाँ जी बाबा मुझे इतनी शर्म आई उस वक्त बहुत ज्यादा शायद हमने काश अपने ना खाए होता इनके काम आ जाता चलो कोई नहीं अब जिसके नसीब की जो चीज होती है वो उसके पास पहुंच जाती है कल मैंने भी सॉरी भी की है भजन सिंह वो तो भजन सिंह माशाल्लाह कर लो मेहमान इतने आ गए थे तो मकरोनी उनसे ज्यादा हां तुम्हारी एक दोस्त आ गई थी उनके बेटे आ गए थे जी फिर उसके बाद फिर उधर से चाचू आ गए फिर यूसुफ भाई थे हां जी तो सभी थे फिर मैंने कहा अभी पूरी नहीं हो सकी क्योंकि आधा किलो तो मकरोनी भी ज्यादा भी नहीं थी लाइट ब्राउन मैंने कर दी लाइट ब्राउन होगी जी जी माशाल्लाह क्या बात अब इनको इतना ही ब्राउन करना है ज्यादा नहीं अच्छा इनको इतना ही ब्राउन करना है जी तो अब इसमें डलेगा दूध जी और ये देखो मेरे साथ कर क्या रहा है इसमें ये तुम्हारा बेटा देख लो मेरे साथ क्या कर रहा है क्या कर रही है ये कमीज के अंदर हाथ डाल के मेरे सीने के बाल खींच रहा है लड्डू लड्डू मम्मा का करी लड्डू क्या बैठे हो तो जी ये गोद में मेरी चढ़ा हुआ है और इधर से एक हाथ से मैं बना रहा हूँ वीडियो एक हाथ से पकड़ा हुआ इसे गोद में तो माशाल्लाह वैसे एक बात कहूँ इसके फ्राई होने के बाद जब आपने दूध डाला इसमें बड़ी प्यारी खुशबू आती है ये क्या लगे था बहुत प्यारी खुशबू आती है दिमाग खराब करने वाली खुशबू आती है कच्ची खा लूँ इसे अच्छा यार ये यहाँ की ना आज सफाई करनी है जरा यहाँ की मैं सारा कुछ तो वो असल में ना यहाँ मैंने सुबह वो चीनी रखी ना तो उसमें कीड़ियाँ लग गई अच्छा। फिर वो मैंने धूप में निकाल के रखी फिर उसको साफ सुथरी की तो वहाँ पे सारे कपड़ों में कीड़ियाँ लगती सारे कपड़ों में हाँ जी वो फीडर पे कीड़ियाँ चुनती और वहाँ से अच्छा कीड़ियाँ बहुत हैं यहाँ सर अब एक काम कर कीड़ियों वाला पाउडर भी काम नहीं कर रहा ईमान से अब मेरी बात सुने ना किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं साल हो गया हमें अब ये अगस्त है हाँ जी तो अब मैं 12 अगस्त को साल हो जाए तो अब मैं भी ज़्यादा बात करती हूँ कि भाई हमें चले कमरे नहीं करवा के देते हमें बरामदा किचन तो करवा के फ्रंट तो करवा के देना फ्रंट तो मैं करवा देना बिल्कुल तो अब इतना तो हाथ कमाना भी बनता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कमरे भी करवा दें वो एक दिन एक कमरा करवा लें दूसरे दिन दूसरा कमरा करवा लें लेकिन करवा दें हाँ ये मैं बात करती हूँ उनकी बेगम से ना हाँ हाँ बिल्कुल करें आप तो मसला नहीं चाय भी साथ ही रख लो चाय भी रख लो साथ में फिर जाके दूध भी ले आऊँ हाँ जी इसे मुझे दे दो ना हैं इसे मुझे दे दो ना ये लो ये लड्डू ये मिला है लड्डू लड्डू ये मिले लड्डू जानी ये बड़ा शरारती हो गया ये बहुत शरारती अच्छा है लड्डू सही है तो लड्डू ही सारे तो लड्डूओं का बंधन ही है हमारे हाँ नहीं ये वैसे भी जो इसे देखो ना लड्डू की सी फीलिंग आती है और यूसुफ भाई आ गए ठीक है और आए हैं मेरे मुर्शद मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जिगर जानी शेख मोहम्मद यूसुफ साहब जिन्होंने ले लिया फुजैल को और मैडम क्या कहा था हाँ कोई ना कोई आ जाए अभी कच्ची डाल दी नहीं नहीं कुछ नहीं होता ये पता था अपने घर का माशाल्लाह मेरे घर में अल्लाह की रहमत होती है अल्लाह पाक का एहसान है शुक्र है उसकी ज़ात उस रब्बे करीम का बड़ा करम तो जनाब ठीक है आप ये कर ले मैं ज़रा दूध शुद्ध ले आऊँ जी मैं इतने में ना इधर चाय भी बनने के लिए भाई ये सब चाय पियेंगे वो चाय पूछने की जरूरत नहीं है उनसे अच्छा
अच्छा बस अब आराम है। पहले पानी मियाँ जी पानी पियोगे? पानी नहीं पी रहे, वो कह रहे मैं चाय ही पीऊंगा डायरेक्ट। ठीक है ठीक है, आप लेकिन दूध तो लेके आओ। मैं लेके आया इनके दूध, यही है बस चाय, और वो बनने के बाद ना ठीक हो गए। ये सिर्फ आपको जैल का एक फीटर रखना है। ओके ओके ओके। तो जी माशाल्लाह कैक्षा आ गई है स्कूल से, और ऑन मोहम्मद भी आ गया स्कूल से, वो तो आते ही अंदर चला गया और रुका ही नहीं एक मिनट भी। हाँ जी, तो कोई टेंशन तो नहीं हुई? नहीं। कोई परेशानी नहीं है आने में? गर्मी कैसी है आज? बहुत ज़्यादा। धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई आज, और मौसम बहुत गर्म है आज, और दूर दूर तक बादलों का कोई नामो निशान नहीं है, है ना जी। अच्छा अब खाना वगैरह खाना? नहीं भूख नहीं है। भूख नहीं अभी? सुबह नाश्ता तो करके अच्छा गए थे तुम लोग, सुबह करके चले गए थे। चलो ठीक हो गया फिर तो, ठीक है। स्कूल से पढ़ के अब हम आ गए हैं। जी जी बैठो 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 जल्दी से। ए आपके पिए थे चम्मच? ए चम्मच ठीक है आपके मुताबिक। कौन सी वाली? कौन सी वाली? ए देख लो शादी देख लो, ये प्यारी है छोटी जी, छोटी वाली देख। ये लो छोटी जी, ये बच्चों की सी वाली। एक कटोरी केशा और जी सुनी नहीं उसकी आवाज, क्या क्या है आवाज सुनी नहीं उसकी? किसकी? उसकी। मैंने नहीं सुनी, मैं इधर लगी थी। पहले ये तो मम का दो ना। हाँ जी मातू की। पापा जी एक कटोरी लेने गए हैं पापा जी। चलो बैठो बैठो। इतना मारा ना दूध गर्म हो रहा है, चाय मैंने इसमें कपों में डाल ली है, चाय कपों में पहन ली है हमने, और आप देख सकते हैं जी इस टाइम चाय हमारी। धूप बड़ी तेज़, और अभी कदम उतारती हूँ मैं कपड़े वहाँ से, और बकरी को पिलाते हैं पानी। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, और इसका मुझे पता नहीं है कि खुदा मत भाई यूसुफ ये लेंगे। भाई यूसुफ केक बाकर खानी? कुछ भी नहीं। अच्छा चले ये गर्म होता रहेगा। पापा जी किधर कपड़े प्रेस हो रहे हैं? हाँ जी ये दो सूट मैंने कहा ये प्रेस कर दूं, और पैंट शर्ट वगैरह मैंने पहन के जानी है। अब ये मैंने कहा मुझे कुछ घर के लिए कुछ सामान वगैरह लेकर देते जाना, खाना वगैरह दोपहर का खाना खाया बच्चों ने, क्या खाया उसमें यही खाई है, कह रहे हैं मज़ा ज़्यादा खाने को कुछ भी दिल नहीं करना करो कि ऐसी वैसी चीज़। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब ना सालन तो रखा हुआ कद्दू वाला, रात कद्दू दाल बनी थी तो रात का हो जाएगा, आप ना रात का आराम से हो जाएगा। फिर ये कि शाम में चाचू आएंगे ना, आप उनके साथ जाके 40 फुट से ना खुली मकान नहीं ले आना। हाँ जी जा से मैं लेती हूँ, पता है ना दुकान का जी। चाची की नौकरी देंगे फिर कल आपको थोड़ी सी मकरोनी बना दूंगी, क्योंकि मकरोनी ना मैं घर में ख़त्म नहीं होने देती है, वो रखती हूँ कि किसी टाइम भी बच्चों को बना के देनी पड़ जाए, किसी टाइम भी दिल कर जाए। और क्या अक्षर पढ़ाई कैसी जा रही है? नहीं तो पढ़ाई सही जा रही है। अच्छा अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को कामयाब करे। छोटा तो भी गली होता है और मोहम्मद लिए जाते हैं, अभी 31 अगस्त को एक साल को हो जाएगा। हाँ जी और ये छोटे दिन से 31 अगस्त को एक साल को हो जाएगा, आगे इसकी बर्थडे आ जाएगी। एक ये और एक ये वाला, ठीक है। ए लड्डू इधर नहीं आना, खा रहे हो इनको? इनको ए प्यारी प्यारी हवा। अच्छा बताओ आप क्या खा रहे हो? ईम को इसे क्या हुआ, किसने मारा इसको? पानी पीना। अच्छा अच्छा पैंट शर्ट आपकी बहुत अच्छी है, कपड़े ये प्रेस कर दिए मैंने, ठीक है। तो जी मौसम है गर्म बहुत ज़्यादा आज, और धूप है बहुत ज़्यादा,
इन कपड़ों को धूप लगी नहीं अभी तक? इनको धूप लगी है, ये भी मैंने उतार के एक बार इसमें रखे हैं। अच्छा, सारों को ना तह लगा लेती हूँ, सही है ना? क्योंकि आप धूप में तो तह लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इनको तह लगा के ना सारे रखती। और जो बच्चों के कपड़े थे वो मैंने उसमें रख दिए हुए हैं, इन सबको धूप लगी है और गर्मी भी काफी ज्यादा है ना, पानी भी नहीं। नहीं, सुबह दे दिया था मैंने। अच्छा, ये मेरे ख्याल इसका सूट इस वक्त, और मोहम्मद की ये कमीज है और एक पैंट है। ये तो मैं छांव में धोऊंगी, छांव आ जाएगी ना। सिर्फ अपने पहनने के कपड़े धो देना और मोहम्मद के रहने देना। माशाल्लाह, फिर कलियां आ गई। जी जी, सफेद वाली आई है। कहाँ आई है? मुझे तो ये सफेद वाली कली है, ये सफेद फूलों वाली। गर्मी भी बहुत ज्यादा, कभी मौसम करवट बदल रहा है, कभी नहीं, क्या बनता है क्या नहीं। और एक चीज और दिखाऊं अपने बहन भाई, ये तो यहाँ पे खेल रहे हैं ना बच्चे, यहीं पे खेल रहे हैं। हाँ जी, पैंट शर्ट ये आपकी लेके जाना। हाँ, ट्राउजर भी लेके जाना रात को सोने के लिए यार। बैग ये रखा हुआ। और ये कमीज भैया, हम मोहम्मद नहीं करो वो गिरा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात क्या बात। ये साइड छुट्टी भी है, ये यहाँ से ना वो आ जाएगी ना सिलाई में। अच्छा, तो इस जगह तो छोड़नी थी, तो सिलाई के बाद देखेंगे ये पतलियाँ जो है ना वो ये बाद में बनाएंगे। अब बूटियाँ बनानी शुरू की हुई, अब ये वाली बूटियाँ रह गई हैं बस। और ये तो आप जिसकी जगह टेंशन थी, ये तो आधे घंटे का काम है बूटियाँ वाला तो। अच्छा, थक गई हो बहुत ज़्यादा? थकावट तो हो ही जाती है। तो पहले बहन भाई, आज का सदमा, आज का जो सदमा आप बहन भाई को बता दें, लेट गुजर गई, इनका बेड़ा गर्क हो, इनका खाना खराब हो, इस हुकूमत का अल्लाह तबाह करे। लेट गुजर गई, तो ये बिल है जी, नहीं 8 तारीख, आठ तारीख इसकी 8 डेट है और कल भी आ चुकी है, तो 18,707 रुपये। हाँ जी, 18,000 307 रुपये। अच्छा, ये दिखा, ये जी, ये मुसलसल तीसरा महीना है। कपड़े हमारे हाथों से धुलते हैं, एक पंखा हमारा सिर्फ दिन में चलता है, फ्रिज है हमारी मजबूरी है। इस हुकूमत का खाना खराब हो, आज मैं यही कहूंगी कि हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियां दी थी इस दिन के लिए दी थी। बिल्कुल सही कह रही, हम अपने बच्चों को खिलाएं या हम रोड पे बैठे हैं। हमारा अपना मकान ना होता तो ये कीन वाले मीटर काटने वाले आते, हम कहते हैं काट के ले जाओ, जो होता कर लो, शायद हम उनका ईंटें उठा के सर ही फाड़ देते। इतना बिल हम खाए ना, हम अपने बच्चों को ना खिलाएं, हम सिर्फ ये रह गए। अगर कौम एक हो जाए ना और सारे बिलों को आग लगा दे, चाहे कोई किराएदार है, चाहे कोई मालिक मकान है, कोई भी कुछ ना कर सकता, बैठ के सिर्फ आग लगा दे कि हमने बिल नहीं भरना, इस हुकूमत का ना बेड़ा गर्क हो जाएगा, तबाह हो जाएगी, इनको लग पता जाएगा कि हमने करना क्या है। ये तीसरा महीना है, चौथा महीना है, हमें तबाह किया हुआ है और हमें बर्बाद किया। 15, 18, 20 और पिछला महीना तो 34,000 का बिल था। 34,000 का बिल था। अब हमें बताएं कि हम अपने घर, हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि 360 यूनिट का बिल 34,000 का, 329 यूनिट का बिल 18,000 का, 200 यूनिट का बिल कैसे कम होगा? समझ से बाहर है, मुझे तो यूनिट ही नहीं समझ आ रही कि 329 चल कैसे रहे हमारे घर। अब हमारी ना डेली मशीन लग रही है। मैं यही कहूंगी हमारे के बड़ों ने गलती की थी कि अपना सब जायदाद, अपनी सब कुछ छोड़कर वो महाजन बनकर आ गए, उन्हें कुछ मिला भी नहीं पाकिस्तान, वही रह जाते थे इंडिया में, रह जाते लेना तो अल्लाह का नाम ही था ना, वहां भी ध्यान। ये है जी हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान,
क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और मैं फिर कहूंगी अल्लाह बर्बाद करे इस। ये जरा यहाँ नोट कर ले, ये आपको नजर भी आ जाएगा, यहाँ एक नहीं 7072 टैक्सीज है। जी जी ठीक है, जो हमारी बिजली की कीमत है वो है 12,514 रुपए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, शुदा यूनिट 12,514 रुपए, FC सरचार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने बीच में दिया हुआ होता है। कोई AC नहीं है हमारे, कोई दूसरे वो कूलर पंखे नहीं है हमारे, ठीक है। अगर वो लगा ले तो हमारा तो बिल ही 30,000 का है। दुनिया खुदकशी पे मजबूर हुई पड़ी है, भाई भाई को मारने पे मजबूर हुए पड़े हैं, ठीक है। और समझ से बाहर है कि ये हुकूमत हमसे क्या चाहती है, कि हमें आपस में लड़वा कर खत्म करना चाहती है, मरवाना चाहती है। अल्लाह इसको तबाह कर दे और बेड़ा बड़ा कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, अब मैं ये कहूँगी हमारे हाल पर, सबके हाल पर रहम फरमा, पर ऐसी हुकूमत को ख़त्म कर दे, हमें नहीं जरूरत ऐसी हुकूमत। बिल्कुल ये जी बिल है, और अब हम क्या करें क्या ना करें, हमारी समझ से बाहर हुआ। अब बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, इनको ना खाने को देंगे किसको देंगे, इनको भी देना, पेट तो मांगता है, पेट ने तो कहा मुझे मुझे 2-3 टाइम जा समझ। बिल्कुल इंसान को भूख तो लगती है। बिल्कुल ऐसा।